दोस्तों, आदत बनाना आसान होता है लेकिन उसे बदलना बेहद कठिन होता है। इसलिए अपनी आदत को बदलने के बजाय बेहतर होगा कि कोई नई मगर अच्छी आदत अपने अंदर आप डेवलप करिए, ताकि पुरानी आदत की ओर से आपका ध्यान हट जाए। दोस्तों, अब हमारे पास चैलेंज ये है कि पुरानी आदत की जगह नई आदत को आप कैसे डेवलप करें और गलत लत से आप अपने ध्यान को कैसे हटाएं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी का हल निकालने के लिए मैं आपको कुछ 10 उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनकी मदद से आप इस काम को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, नंबर 1, किसी तरह की लत या फिर गलत आदत से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप गलत आदत के शिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनमें कोई खराब आदत है, और इसके लिए अपनी आदत के हर स्टेज और उसके बैड इम्पैक्ट को आप अच्छी तरह से एनालाइज करिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप चाहते क्या हैं। दोस्तों, यदि आपका एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो आप उसे पाने के लिए उस दिशा में अपना काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, कोई भी आदत आपको कितना प्रभावित करती है उसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो आदत अच्छी हो या फिर बुरी हो। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि उस आदत के कारण कौन कौन से इमोशन ट्रिगर होते हैं और उन इमोशंस को आप बाहर आने दीजिए, ताकि आप ये जान सकें, और ये जानना बहुत जरूरी भी है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। दोस्तों, नंबर 3, जो चीज हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है वे आदत का रूप लेती है, इसीलिए किसी ऐसी चीज की ओर आप ध्यान लगाइए जिससे आपको बेनिफिट हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर धूम्रपान करके आपको राहत महसूस होती है, अच्छी फीलिंग आती है, तो अगली बार जब धूम्रपान करने की इच्छा हो, आपके माइंड में धूम्रपान करने के इमोशंस ट्रिगर हो, तो उसी समय तुरंत आप टहलने के लिए निकल जाइए। दोस्तों, इससे आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे और इसी तरह आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव हैबिट आपको ढूंढनी पड़ेगी जो उस हैबिट को बीट कर सके। दोस्तों, नंबर 4, जब भी आप कोई बुरी आदत को छोड़कर नई आदत को अपनाते हैं तो दिन में जब भी आपको समय मिले आप उसके बारे में जरूर सोचिए। किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचने से उसे करने का उत्साह बढ़ जाता है और दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग आती है। दोस्तों, नंबर 5, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। आपका ध्यान गलत आदतों की ओर जरूर जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखिए, किसी आदत से छुटकारा पाने के लिए ये स्टेप बहुत ही जरूरी है, इसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, उस ओर ध्यान जाने पर आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए या फिर आप मेडिटेशन करिए, इससे आपका ध्यान खुद ब खुद उस ओर से हट जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, एबॉर्शन थेरेपी ट्राई करिए। जी हाँ दोस्तों, ये थेरेपी हर किसी पर काम तो नहीं करती है, लेकिन एक बार कोशिश करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, कोई भी हर्ज नहीं है, तो इसलिए आप इसे जरूर ट्राई करिए। दोस्तों, यदि आपको मास्टरबेशन की आदत है तो मास्टरबेशन का सबसे बुरा पिक्चर आप इमेजिन करिए और उसके सबसे बुरे प्रभाव के बारे में आप सोचिए। जैसे कि यदि आप मास्टरबेशन करेंगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाएगी, आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, आप फादर नहीं बन पाएंगे। इसी टाइप से आप उसके बुरे पिक्चर मास्टरबेशन के कारण फ्यूचर में आने वाले इम्पैक्ट के बारे में आप सोचिए, तो आपका मन धीरे धीरे उस ओर से हट जाएगा। दोस्तों, नंबर 7, खुद को चैलेंज करिए। वैसे हमने कई बार देखा है कि अगर हमें कोई काम चैलेंज के रूप में मिलता है तो हम उस काम को करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं। तो इसलिए जब आप कोई गलत आदत को छोड़ना चाहें तो इसके लिए आप खुद को चैलेंज करिए, ताकि आप उस आदत को जल्दी छोड़ सकें। दोस्तों, नंबर 8, रूटीन को बदलिए। जी हां दोस्तों, यदि काम खत्म करने के बाद शाम को गंदी लत की आदत पड़ गई है तो काम खत्म करने के बाद आप माता पिता, भाइयों या फिर ऐसे लोगों से मिलने जाइए जहां इन बुरी आदतों से आपकी दूरी बन सके। दोस्तों, इसके अलावा आप अध्यात्म का भी सहारा ले सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर उस समय घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 9, बुरी संगति को छोड़ दीजिए। अक्सर गलत आदतों की स्टार्टिंग दोस्तों से ही होती है और जब तक वे दोस्त आपके साथ रहेंगे तब तक आप उस आदत से कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं।
इससे आपको ज्यादा लत पड़ेगी और आप अपने को काबू में नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो इन आदतों से दूर रहते हैं। दोस्तों नंबर 10, किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए पॉजिटिव अप्रोच अपनाना बहुत ही जरूरी है। अपना ध्यान गलत आदतों से हटाने के लिए खुद को बिजी रखिए, खुद को किसी मनपसंद एक्टिविटी में, किसी खेलकूद में, बुक्स में, अच्छी मूवीज में आप खुद को व्यस्त रखिए। दोस्तों कोशिश करिए कि आप अपने को अकेले रखिए, हमेशा आप खुद को बिजी रखिए, आप बहुत ही जल्दी गलत आदतों से छुटकारा पा जाएंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।